प्रेरणा कथा, उसके आखिरी लम्हे, टिकटॉक टिकटॉक, एक मिनट बीत जाता है। अचानक मुझे आभास होता है कि 20 मिनट बीत गए हैं, बैठे बैठे 20 मिनट, सिर्फ उनकी छाती को उठते और आखिरी बार बैठते हुए देखने की प्रतीक्षा में। मुझे याद है मैं उसके बिस्तर के पास 4 घंटे तक बैठी थी, जबकि वो अपने अंतिम शब्द बोल रही थी, अपनी अंतिम सांसें अंदर ले रही थी और पृथ्वी पर अपने 90 वर्ष के जीवन को याद कर रही थी। मैं 4 घंटे बैठी, देखती सुनती एक औरत को अंतिम सांसें लेती हुई। मुझे उसका नाम मालूम था, मुझे वो मीठे मीठे शब्द भी याद है जो 4 घंटे बोलती रही थी, लेकिन बस इतना ही था। मैं तो बस इतना जानती थी कि मैं उसको अकेले नहीं मरने देने वाली थी। उस समय मैं एक नर्स के रूप में वहाँ काम कर रही थी, लेकिन बाद में मुझे आभास हुआ कि वो 4 घंटे मेरे लिए सिर्फ मेरी ड्यूटी का भाग नहीं थे। मैं बैठी बैठी घड़ी की टिकटॉक टिकटॉक सुनती रही। घड़ी सच में मनुष्य को ये याद दिलाती रहती है कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है। शुरू में तो उस बूढ़ी औरत ने मुझे सिर्फ यही कहा कि समय कैसे जल्दी जल्दी बीत जाता है, कैसे उसका शरीर उसको याद दिला रहा था कि उसका समय समाप्त होने वाला था। मैंने उसके शरीर को देखा और यह निश्चित किया कि कैसे समय ने उसके शरीर को ही धीरे धीरे चुरा लिया था और अब शरीर के स्थान पर सिर्फ एक सांस लेता हुआ ढांचा था। वो बहुत ही दुबली पतली और कमज़ोर थी। उसके चेहरे और हाथों की लकीरें और झुर्रियाँ उसके जीवन का नक्शा दिखा रही थी। जब मैं उसको नज़दीक से देखने लगी, उसने अपने शरीर के बारे में बताना शुरू किया। मेरी जवानी के दिनों में मेरी छातियाँ बहुत ही सुंदर और सुडौल थी। मुझे याद है कि कैसे पुरुष मुझे उतनी देर तक देखते रहते थे जितनी देर तक उनको देखना नहीं चाहिए था। फिर भी मुझे बुरा नहीं लगता था। हर लड़की चाहती है उसको देखा जाए। अब तो मेरी छातियां है ही नहीं, कैंसर के कारण एक तो बहुत पहले ही काट कर हटा दी गई थी और दूसरी भी अकेले ही सूख सूख कर मर सी गई है। टिकटॉक टिकटॉक की आवाज़ मेरे कानों में चुभने लगी है। बूढ़ी औरत सोने लगी है। मुझे मालूम था कि उसकी सांसें जल्दी ही धीमी हो जाएंगी। मैं जानती थी कि जल्दी मैं वो अंतिम व्यक्ति हो जाने वाली थी जिसको वह मरने से पहले देखेगी। मैं सोचने लगी कि मैं कब मरूंगी, क्या मैं मरते समय अकेली होंगी, क्या मेरे पास कोई अपरिचित व्यक्ति मेरा हाथ पकड़ कर बैठा होगा, क्या मेरे परिवार को मालूम होगा। मेरे दिमाग में ये सभी प्रश्न उठने लगे, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। टिकटॉक टिकटॉक, 2 घंटे बीत गए। उस छोटी सी बातचीत के बाद वो फिर कभी भी नहीं उठी। वो आंखों उसको धीरे से बंद करके सो गई थी। उसके हाथ उसकी छाती पर थे और उसके चेहरे के चारों ओर एक प्रकार की चमक थी। मैं नहीं कह सकती कि वो प्रकाश का गोला क्या था। वो सोई हुई थी और मैं उसके पास बैठी थी, मेरा हाथ उसके हाथ में था। मैं उसकी तरफ देखकर उसके जीवन के बारे में कल्पना करने लगी और सोचने लगी कि अगर वो बोल सकती तो मुझसे क्या कहती है। मैंने कल्पना की कि वो मुझे प्रेम पैसा और जीवन के बारे में सलाह देती। मैंने कल्पना की कि उसका सुंदर जीवन था, उसका एक सुंदर पति था, बच्चे थे और एक सुंदर पीला घर था और घर के चारों तरफ एक छोटी सी बाड़ लगी हुई थी। उसके पास बैठे बैठे मैं उसके जीवन की यादों की सृजना करने लगी। मैंने उसके शादी के दिन की कल्पना की। 50 के लगभग मेहमान थे, परिवार के लोग थे, दोस्त थे, सभी उस समय का आनंद उठा रहे थे। दुल्हन सुंदर गाउन पहने हुई थी, वो अपने प्रेमी और होने वाले पति की तरफ जा रही थी। बाइबल की पंक्तियाँ दोहराई जा रही थी और दूल्हा दुल्हन दोनों की ही आँखें नम थी। फिर मैंने कल्पना की कि उसने एक बेटी को जन्म दिया, उसका नाम शायद एलिजाबेथ रहा होगा। बच्ची के जन्म से पहले वो औरत 16 घंटे दर्द सहती रही थी। मैंने कल्पना की कि उसका जीवन भरा पूरा था। फिर उसके दूसरे बच्चे की भी कल्पना की, उसके चारों तरफ प्रेम ही प्रेम था। समस्या ये थी कि ये यादें मेरी कल्पना की उपज थी और ऐसा वास्तव में नहीं हुआ था। टिकटॉक टिकटॉक, मुझे भी नींद आ गई।
मुझे पुजारी के कपड़े पहने हुए एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति ने उठाया। उसने मेरे कंधे को छुआ और मुस्कुराया, मानो कह रहा हो कि मैंने अच्छा काम किया था, जैसे वह कह रहा हो भगवान को भी मुझ पर गर्व होने वाला था। वो पुजारी उस बूढ़ी औरत के बिस्तर की तरफ गया और प्रार्थना शुरू कर दी। उसने बूढ़ी से कहा कि वो अकेली नहीं होगी, भगवान उसके साथ होंगे। उसने कहा कि अब क्षमा मांगने का समय आ गया था और अपने पापों को स्वीकार कर प्रभु को धन्यवाद कहने का समय आ गया था। जब वो पुजारी प्रार्थना कर रहा था, मैं उस औरत को देखने लगी। मैं सोच रही थी कि क्या वो उस पुजारी की आवाज़ सुन रही थी, क्या वो भी प्रार्थना कर रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या भगवान उसको दंड देंगे क्योंकि उसने पुजारी के साथ प्रार्थना नहीं की थी। मेरे दिमाग में बहुत से प्रश्न थे। मैं बैठी रही, टिकटॉक टिकटॉक समय बीत रहा था। इससे पहले कि मैं पुजारी से कुछ पूछती, वो प्रार्थना समाप्त करके कमरे से बाहर चले गए। वो अपनी घड़ी को देख रहे थे। पुजारी को ना तो उस मरने वाली औरत से पहचानती, ना उसकी कहानी मालूम और ना ही उसका नाम मालूम था। घड़ी की टिकटॉक टिकटॉक ने मुझे फिर से याद कराया कि अंत अब नज़दीक था। मुझे अपने चारों तरफ यह आभास हो रहा था वो औरत मरने ही वाली थी, एक बिल्कुल अपरिचित औरत। मैं ही अकेली थी उसके पास उन अंतिम क्षणों में। मैं एक अजनबी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका परिवार कहाँ था? कोई भी उसको अंतिम विदाई देने के लिए वहाँ उपस्थित क्यों नहीं था? कोई भी उसको साहस देने के लिए क्यों नहीं था? क्या कोई भी उसकी कमी महसूस करने वाला नहीं था? वो औरत पृथ्वी पर अपने अंतिम कुछ मिनट बिता रही थी। ना कोई परिचित चेहरे थे, ना परिचित आवाजें, ना ही परिचित सुगंध। घड़ी चलती रही, टिकटॉक टिकटॉक। मैंने देखा कि उसकी सांस अब धीमी हो गई थी। उसकी चमड़ी का रंग उड़ने लगा था। मुझे गुस्सा आने लगा। मैं क्रोधित थी क्योंकि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं सिर्फ उसके हाथ में अपना हाथ ही दे सकती थी और प्रार्थना कर सकती थी, पर वो तो मेरी प्रार्थना सुन भी नहीं सकती थी। टिकटॉक टिकटॉक, एक नया घंटा शुरू हो गया था। मुझे मेरे हाथ में अजीब सी सनसनी होने लगी। वो मेरे हाथ को दबा रही थी, शायद मुझे धन्यवाद कह रही थी, या शायद ये कह रही थी कि उसको मालूम था कि मैं उसके पास ही थी। फिर अचानक घड़ी की अंतिम टिकटॉक की तरह वो भी चली गई। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, पर वो सांस बाहर नहीं आई। वो अब मैं बैठी ही रह गई। मेरे दिमाग में भावना के ज्वालामुखी फूट रहे थे। डॉक्टर ने आकर उसका परीक्षण किया। कुछ कर्मचारी आए और उसके शरीर को साफ करके अपने साथ ले गए। अचानक वो मुझसे भी दूर ले जाई जा चुकी थी। घड़ी की टिकटॉक टिकटॉक फिर से सुनाई देने लगी। मित्रों, किसी व्यक्ति के साथ उसके अंतिम क्षणों में कुछ समय बिताने से किसी भी व्यक्ति को कुछ ऐसा अनुभव हो ही जाता है कि वह जीवन की आपाधापी को व्यर्थ मानने लगता है और जीवन से उसका मोह भंग हो जाता है। शायद किसी व्यक्ति को अंतिम सांसें लेते हुए देखना और उसके साथ उसके अंतिम क्षणों में कुछ समय बताना किसी भी पूजा पाठ और ज्ञान से बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।